एक्सप्रेस वे प्रारंभ, आगरा एक्सटार्ट द आगरा हाईवे। ब्लॉग शुरू करने से पहले या दूसरा कुछ भी बताने से पहले, सबसे पहले मैं उन सबको थैंक यू कहूँगा जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की, जो मेरे साथ में गए। जैसे मेरा बहुत खास फ्रेंड प्रभात मेरे साथ गया था वहाँ तक शूटिंग में, उसने मेरी बहुत हेल्प की। और उन लोग का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले वीडियो के हिसाब से काफ़ी कुछ उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट मिला, मतलब इंटरेस्ट जगा मेरा सबको देख के, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया सबको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए यार। और इसी तरह आगे आप सपोर्ट करते रहेंगे तो और अच्छी वीडियो बनाएंगे और बहुत कुछ शूट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ घूमा है लेकिन अभी तक कुछ कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। अब फाइनली मेरे मन में दिमाग में आया है कि कुछ रिकॉर्ड किया जाए, ताकि हम अगर कहीं जा रहे हैं या कोई अगर नहीं जा पा रहा है तो हम लोग उसको भी वहाँ तक ले जाएं या दिखाएं घुमाएं। ये हमारा मोटिव है कि हम वहाँ भी कुछ करें। तो हम लोग बहुत लंबी राइड मारने वाले हैं, थोड़ा सा कोरोना चक्कर में रुके हुए हैं, कि कोरोना के चक्कर में हम लोग बहुत लॉन्ग रूट नहीं मार पा रहे हैं। और ना अब तक यार मेरा पहला ब्लॉग था तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, थोड़ा हिचकिचा था यार, समझ नहीं आ रहा था पहला ब्लॉग है, क्या शूट किया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या कर लें, कुछ कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि मेरा नाम शिवम सिंह है, और हम लोग के साथ जो मतलब हम लोग क्या मेरे साथ ही जो गया था उसका नाम प्रभात है। आपको दिखाते हैं इस टाइम क्या कर रहा है वो, उसका फोटोग्राफी का काम है, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है वो, और इस वक्त देखिए वो वही कर रहा है वो। तो प्रभात फोटोग्राफी कर रहा है, हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो यार फाइनली गाड़ी पर थोड़ा बहुत काम कराने के बाद सोच रहे थे कि छोटी मोटी राइड ली जाए, छोटी सी कोई राइड लेते हैं हम लोग, जैसे कि आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे तक जाते हैं, वहाँ जाके छोटी सी राइड लेते हैं। तो चलिए फिर मॉर्निंग की राइड निकलेंगे, मॉर्निंग में चलेंगे हम भी, लेके चलेंगे आप लोग को भी साथ में, दिखाएंगे कि आगरा एक्सप्रेस वे कैसा रहा हम लोग का राइडिंग आगरा एक्सप्रेस वे तक। और राइडिंग पे जाने के लिए ही हम लोग खुद इस वक्त फ्रेंड के यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि सुबह टाइम पर उठ जाएँ चले जाएँ यहीं से, गाड़ी सब नीचे खड़ी है, सब रेडी है, बस सुबह खाली निकलना है हम लोग। तो ठीक है फिर मिलते हैं मॉर्निंग में राइड पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह की हो चुकी है हवा 5 और हम लोग की तैयारी बस हो चुकी है, हम लोग निकलने वाले हैं। थोड़ा कैमरा वगैरह बाकी है उसको पैक कर लें। चलिए भाई लोग शुरू करते हैं राइड अपनी सुबह वाली, स्टार्ट द राइड। ओके तो हम आ गए हैं मेन रोड पे। सुबह सुबह उठना यार कितना डिफिकल्ट होता है, खास करके हम लोग के लिए। सुबह सुबह उठे हैं हम लोग 5 बजे, बहुत दिनों बाद 5 बजे उठना होगा हम लोग का आज, फिर भी उठे हैं 5 बजे, चल रहे हैं छोटी सी राइड मारते हैं। एक खाली खाली रोड है, एकदम सन्नाटा है। सुबह सुबह आ जाओ 5 बजे कहीं भी निकलने के लिए तो रोड एकदम खाली मिलती है, जितनी मर्जी तेज गाड़ी चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चलाते रहो। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन। तो यार मैं बातों में टाइम बताना भूल ही गया आपको, हम लोग को निकलते निकलते 6:45 बज चुका है और टाइम हो गया है 5:40। हम लोग नहर चौराहे पे हैं, VIP रोड नहर चौराहा, यहीं से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट की राइट, खैर जो भी हो ध्यान नहीं रहा, मुझे बताना कि मैंने क्या टर्न ले लिया। अब यहाँ से सीधा हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की, नहीं आराम से पहुँचने की। सुबह सुबह के बाद टहंजा निकले हैं तो आराम से गाड़ी चलाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गाड़ी नहीं चलानी हमें, आराम से पहुँचना, जितना सेफ़ रहेंगे उतना लंबा चलेंगे, जितना तेज़ चलेंगे उतना शॉर्ट चलेंगे।
सुबह सुबह मौसम कितना प्यारा रहता है यार, थोड़ा हम लोग उठने में आलसपन कर जाते हैं, लेकिन जब उठने के बाद थोड़ा सा निकलो ना घूमने टहलने, तो जब मज़ा आता है लगता है कि हाँ पैसा वसूल हो गया उठने के बाद, ऐसा लगता है। मुझे दार्ड सीन आता है यार सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह उठने की बात ही अलग होती है। बस यही कहने का मतलब है कि सुबह सुबह आदमी को उठना चाहिए, जो कि आदमी नहीं उठ पाता है, बहुत से लोग नहीं उठ पाते हमारे तरीके। तो यहाँ से अब मात्र बचा है 5 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे, जहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। बहुत से लोग देखिए सुबह सुबह टहलने निकले हैं, हम लोग तो उठ नहीं पाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए इतनी मुश्किल से उठे हैं आज। कम से कम भाई लोग उठ के सुबह सुबह टहल तो रहे हैं। थोड़ा सा मौसम हल्का हल्का ठंडा है सुबह का, इतनी गर्मी हम लोग झेलते हैं दोपहर भर शाम कर, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में। और आराम आराम से गाड़ी चला रहे हैं, 40-50 तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। रास्ते के मज़े लेते हुए अंकल जी साइकिल चलाते हुए सुबह सुबह। और इस सामने कॉलेज है यार, क्या नाम है इसका? शकुंतला देवी कॉलेज। बहुत दिन बाद इधर आना हुआ तो मुझे कॉलेज का नाम तक याद नहीं था। सामने से सीन लेते हैं कॉलेज का, एक आप लोगों को दिखाते हैं। हरी हरी वादियाँ, हरे हरे पेड़, शांत शांत पानी। पानी जब तक शांत होता ना तब तक ये अच्छा लगता है भाई साहब। जब पानी अशांत में आता है तो वह अच्छे अच्छे की शांति भंग कर देता है। ब्लू हॉर्न, दिस इज द कॉलेज शकुंतला देवी। सावधान भी लिखा है यहाँ पे, सावधान आगे स्पीड ट्रैवल है। द फ्रंट गेट ऑफ शकुंतला देवी कॉलेज। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं हाईवे की ओर, और जो ऐसी रोडें हैं, मेरा फ्रेंड प्रभात, उसको बहुत पसंद है ऐसी रोडें, वो अक्सर यहाँ आना चाहता है। मुझे भी पसंद है, उसको भी पसंद है, उसको ज़्यादा पसंद है, मुझे अब पसंद हो जाएगी क्योंकि राइट पे निकलना शुरू किया है। तो ये हाईवे का लुक है यार, मतलब यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ऊपर के देखने का बादल का जो नज़रिया होता है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा ऊपर रहते हैं तो अच्छा लगता है। आप देखो यहाँ आ गए हैं, थोड़ी ठंड भी लग रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत अल्टीमेट नज़ारे होते हैं यहाँ के। एक्सप्रेस वे प्रारंभ, आगरा एक्सटार्ट द आगरा हाईवे। यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा अपनी लाइन में आ जाना है। फ़ोटो शूट यहाँ ऑलरेडी चल रहा है भैया। ये हाईवे ही लगता है ज़्यादातर आगरा जाने वालों के लिए नहीं, और राइडर और फ़ोटो शूट के लिए ज़्यादा बना हुआ है ये हाईवे, ऐसा लगता है मुझे। 310 किलोमीटर का ये हाईवे एक्सप्रेसवे है, और कितना खूबसूरत लगता है यार जब यहाँ पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। अपनी लाइन में रहते हैं और खींचते हैं, सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। तो हम लोग एक मिनट के रुक गए क्योंकि यहाँ जो सीन चल रहा था, थोड़ा सा हमने का देखा जाए और आप लोग को दिखाया जाए कि सुबह सुबह का वेदर कितना प्यारा होता है, कितना अच्छा लग रहा है आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पे। और हम लोगों ने सोचा जब इतनी दूर हम लोग आए हैं तो सिर्फ राइडिंग को ही मोटो नहीं लेते हैं, तो प्रभात ने कहा हम लोग चले हैं तो चाय पीने का मन कर रहा है, तो हमने कहा आप चाय सीधा पियेंगे। हम लोग टोल टैक्स के पास पहुँच के सीधा एंड में ही, जहाँ हम लोग को पहुँचना है वहीं से चाय पियेंगे, एंड देन वहीं से हम लोग वापसी कर देंगे। चलो भैया देखिए सबकी स्पीड यहाँ पहले से तय है, बस जो है वो 80 से की लाइन बनी अलग बनी हुई है, कार की 100 की लाइन अलग बनी हुई है। हाईवे वालों ने बाइक वाले के लिए कोई लाइन नहीं बनाई है, क्योंकि हम लोग की कोई लिमिट नहीं है। हम लोग चाहे 80 चलें, चाहे 100 पर चलें, चाहे 500 चलें, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट हम खुद तय करते हैं।
यहाँ हाईवे पे तो बहुत संभल की गाड़ी चलाने वाली होती है, कब कौन सी गाड़ी कहाँ ख़राब पड़ी हो, किस कंडीशन में पड़ी हो। तो हम लोग टोल टैक्स पहुँच चुके हैं, वहाँ से गाड़ी राउंड कर चुके हैं, अपने साइड पे आ गए हैं और सामने सूरज भगवान को देखिए क्या नज़ारे दे रहे हैं, वो इतने प्यारे प्यारे बेहतरीन सीन दे रहे हैं। तो हम लोग रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पे, एक तो फ़ोटो शूट करवाएंगे, देन यहाँ से निकलेंगे। आओ, ये रास्ता हाईवे के साइड से लगता हुआ जाता है नीचे, चाय खाना पीना कुछ भी करना हो तो यहाँ पी सकते हैं, आगरा एक्सप्रेस वे में टोल टैक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फ़िलहाल तो सुबह सुबह मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, इकलौते हम ही लोग दिख रहे हैं, तो चलिए फिर लौते हम ही लोग चाय पीते हैं। तो वो खड़ी है मेरी गाड़ी, इतनी दूर है कि जूम करके दिखाने में कैमरे के पिक्सल ही फटे जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वो कोने के आगे वो खड़ी है मेरी। तो जिस एक्सप्रेस वे के किनारे हम लोग बैठे हैं, हम आपको उस एक्सप्रेस वे की कुछ चीज़ें जो हमें पता है बताते हैं, जो हमने सुनी है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हाईवे है ये, जो कि 320 किलोमीटर में बना हुआ है, 320 किलोमीटर का लगातार सिंगल हाईवे है ये, सबसे बड़ा हाईवे हिंदुस्तान का है। और ये बहुत जल्दी मुश्किल से शायद 24 या 28 महीने में बनकर तैयार हो गया था, और इसको बनाने का जो बजट था वो 15,000 करोड़ था, लेकिन जब ये बनकर रेडी हुआ तो ये 13,200 करोड़ में ही बनकर रेडी हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसमें अपने पैसे भी बचा लिए, काफ़ी अच्छा हाईवे बना है ये। तो ये आ गई हम लोग की गर्मा गर्म चाय, और प्रभात का हाथ बहुत तेज़ी से चाय की ओर बढ़ता हुआ, और ये प्रभात ने धीरे से चाय उठा ली और ये सट से एक चाय गायब। अब मेरा हाथ तभी बढ़ पाएगा जब मैं कैमरा छोड़ूंगा, मैं भी चाय पी लेता हूँ। चाय चाय बोलो चाय, प्रभात चाय, तभी उसके जलवा चाय। प्रभात प्रभात तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं रात के बाल हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने बाल अगर मेरे होते तो वो भी अच्छे लगते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो हम जैसे लोग, हम लोग तो खैर स्टार्टिंग किए हैं, छोटे से हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जो बेचारे ब्लॉग बनाते हैं या वीडियो या फोटोग्राफी करते हैं, वो कहीं भी बैठते हैं तो पूरा फैलाव हो जाता है। दिखाते हैं आपको कैसे, ये कैमरा सामने पड़ा है, एक फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, कैमरे का बैग खुला हुआ है, एक लेंस उसके अंदर पड़ा है, सामने हेलमेट पड़ा, उधर एक फ़ोन रखा हुआ है, चाय भी पड़ी हुई है, आए बैठे पाँच मिनट हुआ नहीं कि सब फैल गया। तो अब हो गया है टाइम यहाँ से निकलने का, और टाइम भी हो रहा है 7:46, अब हम लोग को भी यहाँ से निकलना है, फिर घर पहुँचना है। तो हम लोगों ने सोचा वापसी की जाए, तो हम लोग चाय साय पी पा के हम लोग आ गए हैं अब ऊपर, थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद फिर यहीं से निकल चलेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, राइड को भी करते हैं एंड। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आज से कैसा लगा, राइड कैसी लगी हम लोग की, या कुछ कमी लगी तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा ताकि हम लोग अपनी कमी को सही कर सकें। और आज हमारा मॉर्निंग में उठने का कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रभात, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, और सुबह की चाय तो बहुत ही अच्छी थी। गाड़ी चला के कैसा लगा? बहुत मज़ा आया प्रभात को, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और लाइक करना ना भूलिएगा। और हमारी जो फ़ोटो हमने इंस्टाग्राम पे ली हैं, जो खींची हैं अभी खींचेंगे, वो इंस्टाग्राम पे आएंगी, और इंस्टाग्राम की पिक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जो कि प्रभात का भी होगा मेरा भी होगा। तो प्लीज़ आप अगर चाहें तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।